इतनी खूबसूरत। तो मम्मी आप फ्रंट कैमरे से सेल्फी भी खींचोगे ना तो भी नहीं आएगा कितना पार्थिन है आपको। ये क्या मैंने बेल्ट बनी है? मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे होंगे। मैं यहाँ पार्थू का लॉन्ग ब्रेक वाला टिफिन रेडी कर रही हूँ। अनूप पार्थू को उठा रहे हैं, मम्मी अभी सो रहे हैं, तो मैंने अनूप को बोला लिविंग रूम में लेके आओ, इसको यहाँ पे उठाओ क्योंकि मम्मी की नींद ख़राब हो जाती है यार। फिर तो पार्थू को ना उठाने का जिम्मा तो अनूप का है, लेकिन मैं पता नहीं किचन से कितनी बार आ जाती हूँ ये कहने के लिए कि प्लीज़ उसको उठाओ, देर हो जाएगी, ये हो जाएगी, पैनिक मचा के रखती हूँ घर में। और बस इसके यहाँ पे येलो वाले राइस आज रेडी कर दिए हैं और बाकी का जो खलेड़ा है वो साफ़ कर रही हूँ। तो देखो मेरे को ना ऐसा लगता है कि जैसे हम दूसरों से उम्मीद करते हैं ना, वैसे पहले हमें उनको तो करके देना चाहिए। तो मैं किचन अपने हिस्से का साफ़ करके जाती हूँ ताकि सामने वाला जब काम करे ना तो वो भी ऐसे ही करके मेरे लिए छोड़ के जाए। तो किचन जो साफ़ हो जाती है तो फिर अनूप आते हैं इसके बाद, तो फिर वो चाय वाय बनाते हैं। एंड यहाँ पे अभी गिफ्ट ऐसे ही लगाया है राधिका के, बाद में डेकोर करेंगे ढंग से तो सही सही से सब जगह लगाएंगे। यहाँ पे बनाना चिप्स, एप्पल, पार्थू के शॉर्ट ब्रेक के लिए, लॉन्ग ब्रेक के लिए नमकीन राइस। इसका मुँह पता नहीं क्यों फूला हुआ है, आज मम्मी के संग बैठा हुआ था। पार्थू जब चला गया तो आज डिसाइड किया कि चाउमीन बनाएंगे। मम्मी जब से आई ना, मम्मी को कुछ अलग से नहीं खिलाया मैंने। फिर देखो कितनी बारीक है, ये डी मार्ट से मिलती है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदी है। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट उबालना होता है इसको, बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती है। यहाँ पे बस मैं अपना पत्ता गोभी कट कर रही हूँ, बारीक बारीक कट करना होता है। एंड इसमें से ही कुछ मोटे मोटे निकलते हैं, इनको फेंक देना चाहिए, इनको कभी भी नहीं बनाना चाहिए। फिर देखा कि शिमला मिर्च नहीं है घर में, तो भाई मैं ना अपनी जब मैं कुकिंग करने बैठती हूँ ना, मुझे हर एक चीज़ चाहिए ही चाहिए, मेरे को आलस नहीं आता है। चाहे मुझे मार्केट जाके लेके आना पड़े बट मैं लेके आती हूँ। तो मुझे पता है ना, क्योंकि फिर वो स्वाद नहीं आएगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे ये नहीं है चलो कोई नहीं बना लो, तो वो बस बना ही लो होता है। मम्मी यहाँ नीचे बैठ के मेथी साफ कर रही है और मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे पत्ता गोभी, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन अदरक को कूट के मैंने रख लिया है। और ये मेरी वेजीज रेडी हैं, हो चुकी है। एक टिप देना चाहूँगी, जब भी हम इसको बॉईल करके निथारते हैं ना, ऐसी जाली में डाल दो, उसके बाद कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना है। उसके बाद आपको 2 चम्मच ऑयल डाल देना है। इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके आप मिक्स करके जितना हो सके बार बार खोलो, ताकि इसका जो गर्म धुआं है वो निकल जाए, ताकि ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ पे ना मैंने ये शेजवान सॉस ले ली है 1 चम्मच में। इसको अब एक कटोरी में ना जितनी भी सॉस होती है मैं उन सबको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं 4 जनों के हिसाब से 1-1 चम्मच ले रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मुझे ये पता नहीं है ना आप कितने जनों के लिए बनाओगे। तो 4 जनों के लिए 1-1 चम्मच बहुत होता है। सबसे ज़्यादा खास होता है सिरका, ये ज़्यादा कभी भी एक साथ ना डालें, कम होगा तो बाद में आप डाल सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं। तो सारे सॉस, चीनी, नमक, काली मिर्च, इन सब को मिला लेना है एक कटोरी में और बस मिक्स करके साइड में रख देना है, ताकि जब हम चाउमीन बनाएं हमें बार बार बॉटल्स ओपन करके हपड़ तपड़ ना हो। आप सब जानते हो इस तरह की एक बास्केट में मैं इन सबको रखती हूँ, मैं फ्रिज में ये सब नहीं रखती। तो बहुत ईजी हो जाता है जब भी आप चाउमीन वगैरह बनाते हो ना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, एक एक चीज़ आपको अलग से नहीं लेनी पड़ती। तो ये ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म हो गई है, ये न्यू बॉटल मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई, मैं सारा चीज़ एक्स्ट्रा रखती हूँ। ये देखो छोटे पाउचेस भी ला के रखती हूँ कि अगर गलती से ये ख़त्म हो गए तो मेरे पास ये पड़े रहें, और ये सब गया इसमें। तो इस तरह से एक बास्केट बना लेने से ना बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ, बार बार आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता, फ्रिज बार बार नहीं खोलना पड़ता। एंड यहाँ पर ये मेरा बैटर जो मैंने अभी बनाया ना लिक्विड सॉस के सारे, वो यहाँ पे मैं मिक्स करके रखती हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस अब मैं इनको बनाऊंगी। तो खाना बनाना तो यूट्यूब में आपने बहुत बार देखा होगा और उसमें मसाले नाप तोल के सिखाए जाते हैं, इतने ग्राम ये लो ये लो ये लो, और ऐसे मसाले डालो और वैसे मसाले डालो, बट जो मुद्दे की बात है ना वो कोई नहीं सिखाता। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाने के लिए मसालों के साथ साथ कुछ और भी चाहिए होता है। जानते हैं वो क्या होता है? वो होती है आपकी इंटेंशन। कभी ये सुना है आपने कि माँ हमसे कहती है या कोई भी हमें प्यार करने वाला हमसे कहता है कि ले मैंने तेरी पसंद का बनाया है, मुझे पता था ना तू आने वाली है, तू आने वाला है, तो मैंने ये तेरे लिए खास बनाया है। और उस जब खास खाने को आप खाते हो ना, बना तो वो वही मसालों से होता है लेकिन फिर कुछ अलग सा महसूस क्यों होता है? क्योंकि उसमें डला होता है आपका प्यार, आपकी इंटेंशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस इंटेंशन से खाना बनाते हैं, मैं अक्सर ये कहती हूँ। तो देखो
मसाले सेम होते हैं, सब्जियां सेम होती है, लेकिन अगर घर के चार लोगों को आप सेम सब्जी बनाने के लिए दोगे ना, चारों के चारों फ्लेवर अलग ही निकलेंगे। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंशन होती है। तो जब भी आप खाना पकाएं ना, तो टेक्निक्स को सीखें। जो लोग टेक्निक्स के साथ खाना बनाना सिखाते हैं ना, उनकी कुकिंग को ज़रूर ज़रूर से ध्यान से सीखा कीजिए, चाहे कोई भी हो। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी मैं गरम मसाला डालती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ ये मेरा होममेड मसाला है। तो होममेड इसलिए कहती हूँ क्योंकि होममेड चीज़ों की बात अलग होती है। चाहे तो हम बाज़ार से भी खरीद के डाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है ना कि नहीं, वो फ्लेवर नहीं आएगा। इस मसाले को इस तरह से भूनूंगी तो ऐसा फ्लेवर आएगा, कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी तो ये सब्जी का रंग इस तरह निखर जाएगा, और प्याज को अगर लहसुन के बगैर भूनूंगी तो ऐसा फ्लेवर आएगा, और लहसुन को अगर पहले डाल दूंगी तो ऐसा फ्लेवर आएगा। तो ये जो टेक्निक्स होती है ना, इनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है खाना। हमेशा जब भी आप किसी के लिए बनाएं तो किसी के लिए बनाएं, कभी भी खाने को अपने स्वाद के अनुसार नहीं बनाना चाहिए। हमेशा खाना बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले का फ्लेवर क्या है, सामने वाले को किस तरह का खाना पसंद है। शायद किसी को खट्टा पसंद होता है, किसी को मीठा, किसी को तीखा। अगर हम दूसरों के फ्लेवर्स को ध्यान में रख के खाना बनाते हैं ना, तो खाना एक ना एक दिन हम अच्छा बनाना सीख ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे से खाना ख़राब नहीं बनता, मेरे से भी बहुत बार खाना ख़राब बनता है, लेकिन वो मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं अनूप से कह देती हूँ आज मैंने बिना मन के खाना बनाया, आज सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी होगी। तो क्योंकि आपको पता है ना, आपने अनमने मन से बस ज़बरदस्ती पकाया है, तो खाने को कभी ज़बरदस्ती नहीं पकाना है। अभी रिसेंटली एक फ़ोटो रिसीव हुई थी मेरे एक सब्सक्राइबर की, जिन्होंने मुझे मेल किया था मेरी अरबी जो मैंने सिखाई थी इस नए वाले चैनल पर। और जब उन्होंने ये फ़ोटो भेजी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ट्राई किया और उनके घर में पसंद आई। तो इसी तरह से, क्योंकि वो जो देख के ट्राई किया ना, उसके पीछे इंटेंशन ये थी कि मैं भी अच्छा बनाऊं। जब हम इस इंटेंशन के संग खाना बनाते हैं ना कि अच्छा बनाऊं, तो खाना अच्छा बनता है। तो बस मैं यही कहूंगी कि चाउमीन आप कहीं और सीख लेना, यहाँ मेरी टिप सीख लो। भाई ये हमारी आज ब्रेकफास्ट में चाउमीन रेडी है। कहाँ पे खा रहे मम्मा? उधर बैठे। चलो ट्राई करना आप लोग भी। आओ डालो आप। कैसा बना? तो हे गाइस, खाना वाना हमने खा लिया है दिन का भी, और आई थिंक सुबह से कुछ शूट ही नहीं कर रखा है मैंने, पता नहीं। तो मैं और मम्मी है ना जा रहे हैं मॉल, इनऑर्बिट मॉल जा रहे हैं। एक्चुअली पार्ट के किसी फ्रेंड का बर्थडे है, एंड पार्ट ना उदित भाई के संग जाने वाला है मीरा रोड आज, तो मुझे गिफ्ट लेके आना है। तो मैंने मम्मी को बोला चलो मम्मा चलते हैं और गिफ्ट लेके आते हैं फटाफट से, एंड फिर आती हूँ तब ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो वेलकम टू द घर माई ऑल लवली फ्रेंड्स। बहुत तेज़ धूप हो रही है और मैंने ना जूड़ा बांध लिया, बहुत गर्मी सी लग रही है इसलिए, है ना माँ? तो वेलकम, मैं तो डरी हूँ। तो मम्मी ट्रायल रूम में गई है, मम्मी के लिए कुर्ते देख रहे हैं यहाँ पे। बस दूर रहो। आप देखो, छोड़ो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ढीला, बहुत अच्छा, दोनों ही अच्छा लग रहे हैं। मम्मी चाय पी रही है, पेट अंदर कर रहे हैं, देखो ना पेट अंदर कर रहे हैं। हो गया, अंदर हो गया, गिननी है। अभी हम अंदर ऐसी बात करते ना मूवी में क्या क्या। तो गिन्नी आई हैं, अभिषेक आए हैं, हमारी हो रही है टी पार्टी। गिन्नी जा भी रही है आज, है ना? नेक्स्ट टाइम कब आ रही है? पक्का? अच्छा ये बता, ब्लॉग में घर जैसा दिखता है वैसे ही दिखता है क्या? बहुत लोग बोलते हैं ना, सच में, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि आपका घर इतना सुंदर दिखता है या सच में? बहुत सुंदर है। तो मैं जब भी कोई आता देखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं यहाँ पे। थैंक यू। हे गाइस, पार्ट टू है ना, जा रहा है उदित भाई के संग गौरवी के बर्थडे में, और ये इसके कपड़े वपड़े निकाल दिए हमने, बस इसको रेडी कर रही हूँ। गिन्नी अभिषेक भी गए आज, वो लोग दिल्ली चले जाएंगे, मानिक आंटी, गिन्नी अभिषेक सब लोगों की रात की फ्लाइट है, तो वो वहाँ चले जाएंगे। बस उनके संग बैठे थे काफ़ी देर तक, गप्पे मारते रहे, एंड बस अभी वो आधा घंटा हुआ उनको गए हुए, और अब पार्थू को रेडी करी। और बाहर बहुत तेज़ बारिश आ गई है, देखो बहुत ज़्यादा तेज, ये देखो
एक छोटा बच्चा ना, हाँ बताओ सबको बताओ, सबको बताओ गंदी चीज नहीं पता नहीं बता। अच्छा हम उस कमरे में बात करते हैं, पार्थू रेडी हो चुका है, हाँ काट दूंगी ना, काट दूंगी, तू टेंशन क्यों लेता है, कहाँ से सीखा होगा उसने ये। तो मैंने ना ये वाली ड्रेस को 2 इंच कटवा दिया है क्योंकि ना ये लंबी में थी ना ये छोटी में थी, एंड अब जाके ये परफेक्ट हो गई है। कल मैं लोखंड वाला गई थी वहाँ से कटा के, पति इधर आओ हम देखें हम दोनों में से कौन बड़ा है, आओ नहीं देखो ऐसे हिल रहा है ना खराब हो जाए बेटा। अच्छा सीधे तो खड़े हो, देखें इधर आके खड़े ऐसे देखें, हाय राम, ले ले तू ऐसे करेगा तो मैं भी ऐसे करूँगी। सुनो अच्छे से रहना वहाँ पे, ऐसे परेशान नहीं करना बेटा किसी को। अच्छा मुझे ना इसको किसी के संग भेजते हुए बहुत डर लगता है, लेकिन भाभी और भैया बहुत अच्छे हैं मुझे पता है, केयर करेंगे, लेकिन ये बहुत तेज है। मुझे उनकी चिंता है इसकी चिंता नहीं है, ये उनको परेशान ना करे बस। दिख रहा तो मम्मी और मैं जब मॉल गए थे ना तो देखो हमने मम्मी के लिए ना ये 2 सूट लिए हैं कुर्ते, तो एक है ये वाला पूरा दिख रहा है ना, और ये वाला लिया था दिख रहा है, तो ये दोनों ही ना मम्मी ने वहाँ पे ट्राई किए थे। और ना मजे की बात ये है कि वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने हमें 1000 रुपीज के कूपन दे दिए थे, बोला मेरे पास कूपन है आप लोगे, मैंने कहा नहीं की और कुछ कुछ दे दो, फिर उन्होंने मुझे कूपन दे दिया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी चलो मौके पे चौका मार देते हैं कुर्ता ले लो, और हमें पूरा हमने 1700 की शॉपिंग करी जिसमें से 500 रुपये लेस हो गए, हम 1200 रुपये में है ना। एक टॉप लिया हमने बच्चे के लिए बर्थडे के लिए जो कि बहुत ही प्यारा है, वो टॉप भी दिखाई देते हैं हमें, तो ब्लॉग लंबा करने से मतलब है नहीं बेटा, ये काफ़ी बड़ा है, ये देखो हम बड़ा साइज लेके आए हैं। माय गॉड, आवाज़ सुनी आप लोगों ने, बहुत सुंदर लग रहा है ये, ऐसे फ्रिल बनी हुई है एंड इस टाइप से इसकी ये बाजू है, बहुत सुंदर टॉप है, तो ये एक टॉप लेके आए हैं। बहुत ही खतरनाक बारिश आ रही है, देखो ना बाप रे, इतनी जबरदस्त बारिश आ रही है कि मैंने जैसे ही शूट किया ना आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे बिजली कड़की पूरा कैमरे में ऐसा हुआ कि कैमरा फट जाएगा, मैं डर के मारे भागी हूँ वहाँ से, एंड अभी देखो हालत देखो वहाँ पे, ऐसी बारिश नहीं हुई है, मतलब ये बहुत ही आज खतरनाक बारिश है, इतनी जब बिजली कड़क रही है ना पूरा घर धर 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 से हिल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, ओह माय गॉड, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं पार्थू को कैसे भेजूँ ऐसे में, इसको यहाँ बैठा रखा है अभी, और कैब भी आने वाली है मुझे, मतलब अब अंदर से हो रहा है कि ना भेजूँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पार्थू को ना छोड़ के आ गई हूँ नीचे, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, उसके पूरा शूज़ भीग गया, पानी भर गया शूज़ में, भाभी को बोला है शूज़ ओपन करके बैठा देना और बस आते हुए भी ऐसे ही लेके आना, घर में तो चप्पल पहन लेगा बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा, और अभी ना ऐसा मैंने सारा पप्पा के भरोसे भेज दिया है मैंने, और पहले मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भीग गए हैं। और इस ब्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, यही थी आज की दिनचर्या, बस अब खाना बनाएंगे खाएंगे, और थोड़ा सा मैं जा रही हूँ एडिटिंग कर लेती हूँ, कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि थॉट ऑफ द डे कहाँ है, थॉट ऑफ द डे अब बनाती हूँ, बस बना के डाल रही हूँ, आई एम सॉरी मुझे पता था, मुझे याद सब था कि डालना है पर नहीं डाल पाई थी, आज सारे गेस्ट गए और अपना भी काम ख़त्म है अभी, पहले वही डाल, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, होप आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएंगी, एंड पसंद आएंगी तो बने रहना हमारे साथ, हमारी हर रोज़ की दिनचर्या में हमारे जीवन का हिस्सा बनना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक देना, पुराने हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब I'm just sitting here, I got time.